नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। दिल्ली दंगों को लेकर लोकसभा में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। असाउद्दीन ओवैसी ने जहां बीजेपी और गृह मंत्री पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दिल्ली दंगों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी निंदा जताई और कई सवालों के जवाब भी दिए। दिल्ली हिंसा पर लोकसभा में चर्चा के दौरान असाउद्दीन ओवैसी ने केंद्र की सत्तारूढ़ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उसके नेताओं पर दिल्ली दंगे को लेकर कोई पछतावा दिखाई नहीं देता और देश में हिंदुत्व के नफरत की सुनामी आ गई है। ओवैसी ने साथ ही ये भी दावा किया कि दंगा सुनियोजित कार्यक्रम था जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उधर सदन में सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये एक सुनियोजित साजिश थी और जो दोषी है उनको बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के बयान से ओवैसी बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आए। ओवैसी ने आगे कहा कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मौजूदा जज के अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दिल्ली हिंसा में लोगों को हिरासत में लिए जाने को लेकर अगला सवाल पूछे जाने पर ओवैसी ने कहा, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो 2600 लोगों के नामों की लिस्ट जारी कर दीजिए, क्यों छुपा रहे हैं, लिस्ट जारी कीजिए, हम भी जानना चाहते हैं और हम भी इंसाफ चाहते हैं। क्या ये बात सच नहीं है कि 500 से 1000 के करीब मुसलमानों के घर जला दिए गए? क्या ये बात सच नहीं है कि 19 मस्जिदों को जला दिया गया? मरने वाले ज्यादा मुसलमान हैं, यकीनन अंकित समेत कई हिंदू भाई हमारे मारे गए हैं। ये सभी सवाल उठाते हुए असाउद्दीन ओवैसी ने जमकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। दिल्ली में हुए दंगों को लेकर ओवैसी ने सरकार पर सवाल तो उठा दिए हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने इनके जवाब भी दे दिए हैं। लेकिन इसमें चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या विपक्ष, ये बहस क्या केवल लोकसभा तक ही सीमित है या फिर हिंसा प्रभावित लोगों के लिए इन नेताओं के मन में कोई संवेदनशीलता भी है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।